गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज सुबह ही काम कर चुके हैं जल्दी जल्दी सारा। और परी की आज छुट्टी है, आज उसका स्कूल में पेपर है, तो इस चक्कर में सीबीएसई कोई नहीं, सीबीएसई का आज एग्ज़ाम है ना इसके स्कूल में, तो इसकी छुट्टी रहेगी। जब जब सीबीएसई के बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं तो इसके स्कूल में होता है एग्ज़ाम, इसलिए इनकी छुट्टी हो जाती है। और सुबह का काम, और हाँ पिछले दो दिन मेरा व्लॉग नहीं आया, उसके लिए सॉरी। कुछ हेल्थ इशू थे, थोड़ी तबीयत डाउन लग रही थी, खुद को फील अच्छा नहीं हो रहा था, इस चक्कर में नहीं कर पाई। पर आगे से कोशिश करूँगी कि डाउन हो तब भी थोड़ा बहुत तो करूँ। पता है एक बात बताऊँ, जब मैं खुद व्लॉगिंग करती थी, मैं जब खुद को जब लेती थी, जब मैं अपने मुँह को धो लूँ, कंघी कर लूँ, थोड़ी डिफरेंट, जब से मम्मी करती थी मम्मी मुझे कैसे भी ले लेती है। और अब तो मेरे मतलब ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा क्लासमेट्स भी मैं भी देखती हूँ। तो क्या हुआ, क्लासमेट्स देखते तो क्लासमेट्स के घर में ऐसे नहीं रहते, हमेशा अप टू डेट रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। अब मैं भी कितनी बार रात में जब एंडिंग करती हूँ, अभी तो मैं नहा ही धोती हूँ, इसलिए मैं थोड़ी चमक रही हूँ। कोई नहीं, अभी तो मैं सुबह नहाई धोई हूँ इसलिए चमक रही हूँ। और जब मैं शाम तक एंडिंग करती हूँ तब तक मेरा क्या हाल है? अरे नहीं, फेस का कुछ नहीं है, बाल ऐसे खड़े होते हैं ना जब देखते हैं। तो आपको खुश होना चाहिए ना कि कैमरा आ गया तो आप हाथ मार लो बात करते करते, ऐसे ऐसे कर लो। ये देखिए मर्शद कौन बैठा है, मर्शद बैठा है एम। देखो देखो देखो, प्यार प्यार देख लो इसका, प्यार कि मेरी तरफ मेरे को मेरे लिए बात करे। हाँ पाओ गो बाबू, मम्मा को पार, मम्मा को इन्ना पार, इन्ना पार, इन्ना पार, इन्ना पार, इन्ना प्यार मम्मा को। क्यों भाई, मम्मा आपकी बात कर लिए का है बाबू, मम्मा आपकी बात कर लिए तो मम्मा को पार करता तू तुझे बाबू है ये। चलो उसको भी ना कैमरा पे आने के, देखिए शिमला मिर्च खा लिए, ये देखिए शिमला मिर्च, ये खाओ 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 वेजिस, ये अच्छा वेजिस में गाजर भी, जितनी शिमला मिर्च खुश होती है, मतलब ये लगा लो अगर मैं शाम को किचन में काम कर रही हूँ ना तो ये आके मेरे को लिटरली भोंकती है कि फ्रिज खोलो मुझे शिमला, मेरे घर में ना शिमला मिर्च कभी भी इतनी आती नहीं थी। मतलब अगर मैं सब्जी भी बना रही हूँ ना, आलू शिमला मिर्च, क्योंकि बच्चे आलू आलू खाते हो तो शिमला मिर्च नहीं आते, तो एक पाव लेती थी इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन इसके टैचवर्ड इसके लिए ना मुझे अब किलो किलो लेके आनी पड़ती है, क्योंकि ये खुश होकर खाती है। मतलब अगर खाना नहीं खाना, खाना नहीं खा रही ना तो ये शिमला मिर्च लेके बैठ जाती है। शिमला मिर्च वैसे तो हम एक ही दे देते दिन में, क्योंकि फिर फूड नहीं खाती है। अगर अगर किसी देने इसने जिद पकड़ ली रात तक, इसने खाने को मुँह नहीं लगाया, फिर हम दो दे देते इसे। हम वैसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये अपना फूड नहीं खाती, शिमला मिर्च खा के पेट भर लेती। चलो ये फुटेज बहुत लंबी हो गई है, हम नेक्स्ट फुटेज में भी थोड़ी बातें कर लेंगे, अभी तक के लिए ठीक है। अभी हम नाश्ता करते हैं, हम आपको मिलते हैं नाश्ता करने के बाद। तो गाइस आज बना है कड़ी, कड़ी बनी है आज, ये देखिए कड़ी पकौड़ा। और आज इसके साथ बना रहे हैं हम बॉयल चावल, क्योंकि कड़ी के साथ बॉयल चावल ही स्वाद लगते हैं और ये बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। इससे इसमें फैट बिल्कुल भी नहीं होता, जो इसका ये पानी है जो हम इसको निकाल देंगे तो ये फैट फ्री हो जाते हैं। तो अभी तो वीडियो में जितनी बार आए हैं मैंने कुकर वाले चावल ही बनाए हैं, वो होता ही होता कभी कभी जल्दी होती थी या ऐसा कुछ, इसलिए मैं, वरना हम लोग बॉयल चावल ही ज़्यादा खाते हैं। तो मैं आपको मिलती हूँ खाने पे। और ये लीजिए लंच हो गया है रेडी, और अभी मैं जाके परी को दे देती हूँ, क्योंकि दोपहर में टाइम हो चुका है, 2:30 बज चुके हैं और उसको लग रही भूख। परी कूलर बंद कर दे बेटा। तो ये लंच तो मैं वैसे लाई थी परी के लिए, पर परी अभी नहीं खा रही है, उसको कोई काम है, तो ये नोनू को दे दिया है। नोनू खाओ और बताओ कैसी बनी है। पकोड़ा, पकोड़ा चाहिए था ये, मैं एक्चुअली परी के लिए लाई थी ना, परी पकोड़ा नहीं खाती ना, ला देती हूँ मैं, ट्राई तो कर तू। हाँ तू खा के तो बता कैसी बनी है कड़ी। मस्त, बहुत मस्त, बहुत मस्त। चलो फिर खाओ, मैं भी अपना खाना डाल देती हूँ और परी भी आ जाएगी इतनी देर में तो उसका भी डाल लेती हूँ, फिर हम मिलते हैं आपको लंच के बाद। तो लीजिए अब मैं हो गई हूँ रेडी, और आज मेरी एमबीए की एक छोटी सी मीटिंग है, मुझे वहाँ जाना है अटेंड करने के लिए, आई थिंक हेल्थ क्लास है, उसे अटेंड करना है, तो मैं जा रही हूँ। और यहाँ एमी हमारी, तो मैं जा रही हूँ परी ठीक है। और ना क्या नाम है, नोनू आएगा तो अंदर को लॉक करके रखना है। आज फाइनली मैं जा ही रही हूँ, इतने टाइम से वो लोग मुझे बार बार बोलते थे आ जाओ मीटिंग है, मैं कुछ ना कुछ कारण हो ही जाता था, नहीं जा पाती थी।
आज फाइनली मैं जा रही हूँ, देखिए अकेली मैं, कोई भी नहीं है और मैं घर भी नहीं जानती हूँ। अब वहाँ मेन गली में पहुँच के कॉल करती हूँ, तो मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। आज मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, बड़ी प्यारी सी है, इसका नाम स्नो है और लग भी स्नो हो रही है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, सोचना मैं खुद से बातें करी ब्लॉग ब्लॉग कर दी। ये देखो कितनी प्यारी सी है कैटी स्नो, अरे वाह। परी आ रही थी मेरे साथ पर उसकी स्नो है ना घर में, उसको नहीं छोड़ पाई वो बात। हेलो हेलो हाथ लगा देती है, हाँ ना काट नहीं काटती नहीं है। हेलो हेलो, हाँ 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 डॉगी डॉगी की आ रही होगी, डॉगी की लगा। अरे वाह ये तो बहुत सुंदर है, इसके बाल कटवा रखी है अभी तभी, वरना ये तो बहुत फ्लफी टाइप में होती है ना। हाँ बाल भी, बाल का जीरो मशीन कट, हाँ जीरो करवा दी होगी ना बस माता ही है। हाँ 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 अच्छा मेल है, हाँ ये लड़का है, लड़का है। देखो ये हमारी मीटिंग में देखो है। देखो इसके बिना हमारी मीटिंग कंप्लीट नहीं होती है। वैसे मुझे कैट से बहुत डर लगता है, लेकिन ये इतनी प्यारी है। आपका नाम क्या है? संजना। संजना हाँ जी। हेलो ये, अरे वाह बड़ा प्यारा। लैब तो वैसे भी बोले होते हैं, ये भी भाई थे, ये भी दोनों जब बीमार हो गई थी ना तो ये वो ऐसे आती ना लेटे इसको प्रैक्टिस। अरे वाह इधर देखो, ये देखो। हेलो गाइस, जज हाँ गई थी आज मीटिंग में, बहुत अच्छी मीटिंग हुई। और मीटिंग होने के बाद हम मैं घर आ गई थी, वहाँ करीबन डेढ़ घंटे की मीटिंग चली थी मेरी, तो डेढ़ घंटे की मीटिंग के बाद आ गए। अब मैं थोड़ा सा 15-20 मिनट के लिए आराम कर रही हूँ, फिर मैं उठ के काम वाम करती हूँ थोड़ा सा, फिर मैं आपको मिलती हूँ शाम के खाने के साथ, जो भी बनाऊंगी वो दिखाती हूँ मैं आपको। तो मैं थोड़ी सी देर आराम करती हूँ फिर लगती हूँ दोबारा से, मैं मिलती हूँ आपको जो रात को डिनर बनाऊंगी उसके साथ। तब तक के लिए कुछ नहीं, इसी को कंटिन्यू करेंगे। मैं जा रही हूँ पहाड़न बन के एमओ को ट्रीट लेने, क्योंकि वो अपने डैडी के सामने इतना रोई इतना रोई कि डैडी ने उसे जेब में हाथ डाला और पैसे निकाल के दे दिए, और उसके बाद मैंने बोला मेरे को भी दो तो मेरे को नहीं मिले। तो इससे पता चलता है हमारे घर में सबसे प्यारा, मतलब जिसको सब प्यार करते हैं वो एम ही है, छोटा बच्चा हो हमारा। तो अब हम जा रहे हैं एमओ के लिए ट्रीट लेने, छोटा बच्चा हमारा गिर गई। नो 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 अंदर रहो अंदर रहो, यहां तो नहीं है, मैं कह रहा हूं यहाँ पे नहीं है। So here we go. एम कौन सी वाली बता दो, ये बहुत खुश होती है पेट शॉप पे आते, इसी से पूछ लो। अरे अंकल ये हर पेट शॉप पे जाके कितनी खुश होती है, हाँ इसी से पूछ लो कौन सी चाहिए, इसको सामने रख लो, हाँ ये करती एम ही फीमेल। आई मीन अंदर जाती है हमारी, पहले तो बेइज्जती करवा दी, पहले तो इतना खुश है इतना खुश हुई और जाके इसने फिर पूप कर दी। मतलब आपको कैसा लगता है? अच्छा तो अब हम घर जाके मिलते हैं आपसे, चलिए। न्यूज़ देख लो कितनी तेज कितनी तेज, पाठ चल रहा है घर में इस समय, तो मैं अभी पाठ कर लेते हैं, घर का काम कर लेते हैं, फिर हम मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस आज शाम के लिए बनाई है, उसके पापा के लिए बनाई है तोरी, हम तोरी नहीं खाते हैं, सिर्फ वो खाएं, इतनी ही बनाई है मैंने। देखो सो तो आज हम अपना व्लॉग का एंड करेंगे इन प्यारी प्यारी मछलियों के साथ, इतनी प्यारी लग रही है ना, अगर आप पास से देखो देखो इसमें ज़्यादा लाइट आ रही है वरना बड़ी प्यारी लगती है। ये मेरी चॉइस की फ़र्स्ट टाइम लाया है और सबको ये बड़ी प्यारी लग रही है। तो आज ज़्यादा कुछ नहीं किया, जो भी किया मैंने अपनी डे रूटीन आपके साथ शेयर की, आई होप सो आपको अच्छा लगे, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप लोग नहीं करते हो, अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, अगर 100 व्यू आ रहे हैं ना करके 40-30 उस तो आए कमेंट। अगर आप नए हो मेरी वीडियो पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, और मैं आपको मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में। बाय।
Thank you.